इंदौर के अन्नपूर्णा रोड मैदान के सामने सब्जियों पे ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले रेहड़ी दोपहर 12 बजे डीआईजी कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने मीडिया से बताया कि हम ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं। जहां निगम कर्मियों द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और विभिन्न तरह के हवाले से उन्हें दुकान नहीं लगाने को लेकर धमकाया जा रहा है और अन्य तरह से परेशान किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक वह पुलिस के आला अधिकारी को शिकायत करने के साथ ही इंदौर नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय पर भी निगम कर्मियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। पीड़ित सब्जी व्यापारियों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजना के तहत उन्होंने 10-10 हज़ार का लोन लेकर सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम वाले विभिन्न तरह से उन्हें दुकान नहीं लगाने की बात कहते हुए परेशान कर रहे हैं। इंदौर से देवेंद्र खन्ना के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, क्यों आए आप यहाँ पर आज? हमको सिर्फ दुकानें हमारी दशहरा मैदान से ही हटाई जा रही है। अन्नपूर्णा बिल्कुल बकायदा लग रही है, मंडी चौराहा बकायदा लग रही है, कलेक्टर पे भी बिल्कुल बकायदा लग रही है, जबकि हम लोग बिल्कुल डिवाइडर के अंदर व्यवस्थित दुकान लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक ना हो। हमारे पास पूरी व्यवस्था के साथ दुकानें लगाई जा रही है, फिर भी हमारे दशहरा मैदान से दुकानें बिल्कुल हटाई जा रही है। कलेक्टर चौराहा सब दूर दुकान लग रही है, सिर्फ हमको ही हटाया क्यों जा रहा है? किस तरह से परेशान करते हैं निगम कर्मी? कुछ नगर निगम वाले आके बोलते हैं यहाँ से दुकानें हटाइए, नहीं तो नगर निगम द्वारा आपके साथ कानूनी कार्रवाई, सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और या तो फिर सौदा उठाएगा। नगर निगम का जोर नहीं चलता है तो वालों को बुलाते हैं। अब आप क्या करेंगे आगे? अब हम जो बोले वो करे, पर कमिश्नर चाहते हैं कि हम लोग वो डिवाइडर के अंदर व्यवस्थित दुकान लगा रहे हैं, फिर उसमें ही लगाने दे। अभी आप क्या ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर? जी, आपका नाम? पूजा वेंकट। हम इसलिए आए थे कि हमको किसी ने जानकारी दी थी कि सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेन यहाँ डलती है आजकल, तो यहाँ पे आए तो इनने बोला पोस्ट ऑफिस में डालो, है ना। नगर निगम वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि विधानसभा चार में दशहरा मैदान के फुटपाथ पे सब्जी की दुकानें लगती हैं। सुबह 3 बजे उठ के मंडी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में दुकान लगाते हैं हम। सुबह 8:30 बजे से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आते हैं और बोले यहाँ दुकान नहीं लगेगी, तो 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये तो वो ठेले की किस्तें कैसे चुकाएंगे, अब कैसे क्या करेंगे, व्यापार कैसा करें, अब हमारे बच्चों को मार दे क्या, झेर दे के, ये बताओ आप। तो कितने व्यापारी आप आए हैं? हमने कलेक्टर में ना 23 तारीख को लेटर दिया था तो सिन्हा साहब को, तो सिन्हा साहब ने निगम आयुक्त को लिखा और निगम आयुक्त ने रिमूल वाले को दे दिया, उसका नंबर ये पीछे लिखा हुआ 26/97/23 को वहाँ पर पूछा था। और 3 दिन बाद सिन्हा सर ने, जो SDM साहब है, डायरेक्ट कलेक्टर साहब नहीं मिले थे तो उनने सिन्हा साहब ने दिया था। निगम वाले अभद्रता भी करते हैं आपके? बहुत बहुत अभद्रता करते हैं, गलत उपयोग करते हैं भैया, के यहाँ लगने नहीं देंगे दुकान, आप कहीं भी बेचो कुछ भी करो। सोशल डिस्टेंसिंग में दुकान लगा रहे हैं? बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में दुकान लगती है सर हमारी, बिल्कुल। हमने सोचा, मेरा नाम आशीष महावर है, मैं सब्जी व्यापारी संघ की तरफ से, सभी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।